ये गाइस कितने एक्साइटमेंट के साथ ये भी सूटकेस उतार रही है अपने पैकिंग करने के लिए। तो ये है वो साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ। वाह, हीरो बनने जा रहा है अपनी, अभी चंपू जैसा लुक आ रहा है। तो गाइस मैंने ब्लाउज दिया था सिलने के लिए, तो अभी मैं आई हूँ ब्लाउज लेने के लिए। लेकिन मुझे बहुत डाउट हो रहा है कि कैसे बनाएंगे, क्योंकि पहली बार मैंने ब्लाउज सिलवाया है बेंगलोर में, तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे बनाएंगे। तो देखिए गाइस, ये है टेलर की दुकान जिसपे मैंने ब्लाउज दिया था सिलने के लिए। तो देखिए ये है मेरा ब्लाउज जो सिलना हो गया है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्टिच किया है इसको, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये है वो साड़ी जो मैं शादी में पहनने वाली हूँ, और इसको मैंने फॉल्स लगाने के लिए दिया था। तो गाइस जैसे मैंने सोचा था उसी तरह ही ब्लाउज सिलवाया है इन्होंने, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी जाते हैं ब्लाउज के लेके घर, और उसके बाद पैकिंग भी करनी है। ये गाइस कितने एक्साइटमेंट के साथ ये भी सूटकेस उतार रही है अपने पैकिंग करने के लिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पैकिंग करना है, शादी में जाना है, तो बहुत ज़्यादा पैकिंग करना पड़ेगा, इसलिए खुद यहाँ से निकाल रही हूँ। ओह माय गॉड, ये मतलब क्या मैं बोलूँ। और अगर कुछ बच जाए तो कल करेंगे, लेकिन आज हमें कंप्लीट करना पड़ेगा पैकिंग, क्योंकि जल बदर जाके और भी सामान लाना है। तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि शादी में जा रहे हैं। अभी भी आप लोगों को मैंने नहीं बताया कि किसकी शादी है, लेकिन मुझे देखकर आप लोग समझ जा रहे हो कि मेरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ही नजदीकी रिलेटिव की शादी है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी पैकिंग कर लेते हैं, आप लोग देखिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ट्रॉली से क्यों कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि ये पुराने कपड़े हैं, इसमें मैंने पैक करके रख दिया था। अभी हम लोग जो लेके जाएंगे वही पैकिंग करेंगे। तो गाइस इतने टाइम आप लोग देख रहे थे कि मैं पैकिंग कर रही थी, लेकिन मुझे तभी याद आया कि मैंने अभी तक डिनर तैयार नहीं किया है। तो मैं आ गई हूँ अभी डिनर तैयार करने। बहुत सारा काम करना है गाइस, क्योंकि डिनर बनाना है, अवनीश को खिलाना है, फिर उसके बाद मैं पैकिंग कर सकती हूँ। क्योंकि अवनीश अगर जागता हुआ रहेगा तो मुझे बिल्कुल भी पैकिंग करने नहीं देगा, बहुत शैतानी करता है, इसलिए मैं पहले उसको सुलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं पैकिंग करना शुरू कर दूंगी। ये देखिए मैंने आलू फ्राई बिठाया है, तो आलू फ्राई होगा, और दाल मैंने बना दिया है, और एक सब्जी भी बनाई है। तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अभी बस फ्राई करना है, और उसके बाद डिनर करेंगे हम लोग, अवनीश को भी खिलाएंगे, फिर उसको सुला देंगे। तो गाइस अवनीश अभी सो गया है, इस वजह से मैं अभी पैकिंग करना शुरू कर रही हूँ। तो गाइस कल हम पैकिंग करके थक गए थे और सो गए थे, और आज हम जा रहे हैं अवनीश का हेयर कट करने, क्योंकि शादी है तो थोड़ा स्टाइलिश हेयर कट बनता है, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं हेयर कट के लिए। तो गाइस हम आ गए हैं सैलून पे, अभी जा रहे हैं ये लोग, अभी बाल काटेंगे दोनों। वाह, हीरो बनने जा रहा है अपनी। ज्यादा गुदगुदा रहा है इसलिए कार्टून लगा के दे रहे हैं। कार्टून देख देख के बाल काटता है। तो अवनीश का हेयर कट हो गया, डन डन पापा। अभी ये बाल काटेंगे, अभी चंपू जैसा लुक आ रहा है। तो गाइस इनका भी हेयर कट हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। आज और भी पैकिंग करनी है, कल हमने ज्यादातर पैकिंग कर लिया है, लेकिन आज भी
थोड़ा बहुत रह जाएगा तो हम लोग आज पैकिंग करेंगे, कंप्लीट करेंगे आज। कल सुबह 9:30 बजे हमारा फ्लाइट है और शादी, गाइस आप लोगों को अभी तक नहीं बताई है, शादी है मेरी कजन सिस्टर की, इसलिए हम लोग जा रहे हैं बहुत तैयार होके। तो चलिए गाइस, आप लोगों के साथ कल का वीडियो भी शेयर करूँगी, आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। तो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करती हूँ, बाय बाय।